नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइडर लाइफ में। मैं आपके साथ कोमल। तेजस्वी यादव सीबीआई से एक के बाद एक तीन समन मिलने के बाद आज दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की समन के खिलाफ तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में सीबीआई ने ये जानकारी दी कि वो तेजस्वी यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। सीबीआई ने ये भी कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में तेजस्वी के वकील ने कहा कि भोला यादव का मामला हमारे सामने है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तेजस्वी यादव के वकील ने कोर्ट में सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पता नहीं कब ऊपर से सीबीआई अधिकारी को फोन आ जाए और जांच अधिकारी गिरफ्तार कर ले। तेजस्वी यादव के वकील ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनकी पत्नी लगातार बीमार चल रही हैं, ऐसे में उन्हें 5 अप्रैल तक का समय दिया जाए। इस पर सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कहा कि वह किसी भी शनिवार को आ सकते हैं, उनकी चार्जशीट तैयार है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता डिप्टी सीएम है। उन्होंने ये भी कहा कि निर्देश के अनुसार वह किसी भी समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे, जिस पर सीबीआई ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आरोपियों के सामने तेजस्वी यादव को बैठा कर पूछताछ करनी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने कहा है कि सीबीआई उन्हें इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी और वह सीबीआई मुख्यालय में पेश होंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए। अब तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होंगे। कोर्ट में तेजस्वी यादव ने याचिका भी दायर की। याचिका में उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र का हवाला दिया और कहा कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस स्थानीय अधिकार में दिया जा सकता है, जबकि वह पटना में रहते हैं। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा के सत्र समाप्ति होने तक पेश होने से छूट की मांग की थी। दरअसल सीबीआई ने तेजस्वी यादव को नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में 3 समन जारी किए। हालांकि वह अभी तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। सीबीआई ने उन्हें 14 फरवरी, 11 मार्च और अभी हाल ही में 14 मार्च को तलब किया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। तेजस्वी ने इसको विधानसभा सत्र का हवाला दिया था, जबकि वह लगातार दिल्ली जाते रहे। 11 मार्च को तेजस्वी यादव पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए। तब उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी की लंबी पूछताछ के बाद उनकी पत्नी राशि की तबीयत खराब हो गई। राशि मां बनने वाली है। तेजस्वी यादव के बार बार समन के बाद भी हाजिर नहीं होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को सीबीआई जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी बात सामने आ रही है कि सीबीआई को तेजस्वी यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में ठोस सबूत मिले हैं। साथ ही आईआरसीटीसी मामले में भी सीबीआई के हाथ कुछ सबूत लगे हैं, जिसके बाद सीबीआई उन्हें तलब कर रही है, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे हैं। अब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के कई मंत्रियों और महाराष्ट्र में सांसद संजय राउत को गिरफ्तार करने में सेंट्रल एजेंसियों ने जिस तरह संकोच नहीं किया, वैसे में तेजस्वी पर भी गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी अगर होती है तो बिहार की राजनीतिक परिदृश्य बदल सकती है, इसलिए कि उनके परिवार में अब तक जितने भी सदस्य राजनीति में हैं, उनमें तेज प्रताप यादव को अगर छोड़ दें तो कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसे तेजस्वी यादव जैसे बड़े कद का पॉलिटिशियन माना जा सकता है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की लॉटरी लग सकती है, क्योंकि कुछ इसी तरह की स्थिति 1995 में भी उत्पन्न हुई, जब चारा घोटाला में लालू यादव की गिरफ्तारी हुई। तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और उस वक्त ये संकट पैदा हुआ था कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, लेकिन लालू के एक आदेश पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया गया। आरजेडी में जगदानंद सिंह और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कई नेता थे, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। लालू के फैसले पर किसी को आपत्ति भी नहीं हुई। तेजस्वी के साथ भी कहीं अगर लालू जैसी नौबत आती है तो निश्चित है कि लालू अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे करने पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव ही परिवार में बेदाग चेहरा दिखते हैं, यानी उनकी लॉटरी लगने की पूरी संभावना है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या
होता है, क्या तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं और तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ता है, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए इनसाइट लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।